एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली तब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। निंद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। आप सबको भारत फर्स्ट के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और इस पावन दिवस पर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको अनेक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आओ इस दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इस धरा को हम हरा भरा, साफ सुथरा, संतुलित, अप्रतिम बनाएं, और इस धरा को ही हम स्वर्ग बनाएं। हम पॉल्यूशन का पार्ट ना बने, हम सॉल्यूशंस का पार्ट बने। हर उस बात के विरुद्ध, हर उस चीज़ के विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं जो हमारे पर्यावरण को, हमारी धरती को, हमारी इस जननी को प्रदूषित करता है, गंदा करता है। और इसलिए मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हम पॉल्यूशन का पार्ट ना बने, हम सॉल्यूशन का पार्ट बने, क्योंकि हमारे वेदों में भी कहा गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और इन्हीं शब्दों के साथ उस प्रण को मैं भी दोहराता हूँ, और आपसे भी विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि हम ये प्रण लें कि हम इस धरा को स्वर्ग के समान बनाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखें, भारत फर्स्ट। थैंक यू। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।